ईटिंग वर्सेस कॉन्शियस ईटिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। इमोशनल ईटिंग और कॉन्शियस ईटिंग में फर्क क्या होता है? जब बंदा इमोशनली खाना खाता है तो वो कुछ गलत तरीके अपनाता है, या अनजाने में वो फूड के साथ एक गलत रिलेशन बना लेता है। उसमें सबसे पहली गलती क्या होती है, वो इमोशन से ड्रिवन जो खाना होता है, लेकिन मुझे बोर हो रहा है तो मैं खाना खा लूंगा, या मुझे सैड फील हो रहा है तो मैं कुछ खा लूंगा। कुछ लोग कह रहे थे मैं स्ट्रेस में गया तो खा लूंगा, ठीक है। तो ये बोर्डम, स्ट्रेस, सैडनेस, दीज आर सम काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस जिससे बंदा खा लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव फेज में हम खाना खाते हैं, हम कभी कभी खुशी के इसमें भी खाना खाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो इतने त्योहार आते हैं, इतने सेलिब्रेशन आते हैं, इतने मौके आते हैं। लाइक किसी का बर्थडे है तो इमोशनल फीलिंग है, वो बर्थडे जिसका है वो भी बोलेगा नहीं बर्थडे क्या रोज रोज आता है क्या, या फेस्टिवल रोज रोज रहते हैं क्या, तो वो भी हमें इंसिस्ट करेगा कि थोड़ा खाने में क्या दिक्कत है। तो हम इमोशन ड्रिवन जब खाना खाते हैं तो उसको इमोशनल ईटिंग बोला जाता है। इसमें माइंडलेस ईटिंग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इम्पल्सिव किसी लोगों को वो अट्रैक्टिव फूड दिख जाता है, कहीं से जा रहे तो वो अट्रैक्टिव फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर खा लेते, तो वो भी हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है बहुत बार, इसका कोई प्लानिंग नहीं रहता, अनप्लान्ड हो जाता है। और ये जो मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह नहीं सोचता कि मुझे इतना इतना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है इसलिए खा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है। सो जितना आप इमोशनल ईटिंग करोगे दैट विल गिव यू टेम्पररी सेटिस्फेक्शन। अभी आता क्या है, कॉन्शियस ईटिंग। तो कॉन्शियस ईटिंग क्या रहता है, कॉन्शियस ईटिंग में आप माइंडफुल अवेयरनेस के साथ खाते हो, मतलब आपका माइंड पूरा मतलब आप समझ के खाते हो, मतलब प्लेट में जो भी आ रहा है वो नहीं खाओगे, या कभी आप किधर बुफे में गए तो जो भी सामने आ रहा है वो लेते नहीं जाओगे। आप एक बार बुफे में जाओगे तो आप एक नज़र घूम के आओगे, इसमें से मेरी मेरी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल होगी, मेरी बॉडी की एक्चुअल नीड क्या है, मतलब इतना मुझे सच में खाना चाहिए क्या, ओवर ईटिंग करना जरूरी है क्या, ये आप माइंडफुल रहते हो, दैट रीजन आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो और आप अपनी भूख के हिसाब से खाते हो, ठीक है, नरिशमेंट के लिए खाते हो। सो आप बॉडी को, भाई मुझे बॉडी को नरिश करना है इसलिए मैं खा रहा हूँ, ना कि कोई इमोशनली प्रेशर है या इमोशनली कोई प्रॉब्लम इसलिए खा रहे हो। उसी के साथ आप प्लान्ड करके खाते हो, इंटेंशनली खाते हो, तो आप अपनी मील्स की प्लानिंग सही से करोगे, सही से आप उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या उसके हिसाब से, उस हिसाब से खाना खाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये खाना आपको सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है सेटिस्फेक्शन देना। अभी हमें क्या करना है, हमें इमोशनल ईटिंग से कॉन्शियस ईटिंग पे शिफ्ट होना है तो कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को रिकॉग्नाइज कीजिए, आपको सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो कौन सी इमोशनल ट्रिगर है जिसके चक्कर में आप इमोशनली खाते हो। जब जब ये इमोशनल ट्रिगर आएंगे तो उसकी अवेयरनेस रखो, उसकी प्लानिंग पहले से करके रखो। उसके साथ आपको माइंडफुल ईटिंग के लिए आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, आपको भूख पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ईटिंग प्रोसेस को मतलब एकदम जल्दबाजी में खाना मत खाइए, मील्स की प्लानिंग पहले से करिए। मोस्टली हम देखे तो सबसे ज्यादा जो डाइट पे लोग जाते हैं उनकी डाइट जो ब्रेक होती है, या जब वो हैबिट्स अच्छी फॉर्म करने को जाते हैं रिलेटेड टू फूड, तो शाम को मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का डाइट ब्रेक हो जाता है, शाम को 5 बजे ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं रहता। एक बार बंदा ब्रेकफास्ट प्लान करेगा, लंच प्लान करेगा, डिनर प्लान करेगा, बट ये जो इवनिंग स्नैक्स का सिलसिला रहता है ना, ये कोई प्लान नहीं करता। और इसमें फिर अगर आप बाहर रहोगे या आपको कुछ अलग चीजें दिखेंगी, कोई क्रेविंग्स आएगी, सो ऑलवेज प्लान सम हेल्दी ऑप्शंस फॉर दैट 5 PM, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, हेल्दी ऑप्शंस हमेशा रखने पड़ेंगे। और अगर आपको बेटर ऑप्शन है कि आप जर्नलिंग करते हो, लिख के रखते हो कि आप क्या खा रहे हो और उसको पढ़ते हो, ठीक है, तो वो बहुत आपको हेल्प करता है। और अगर फिर भी आपको चैलेंज आ रहा है, लाइक आप बोर ज़्यादा हो रहे हो, स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे हो, इसकी वजह से हो रहा है, तो ऑलवेज सीक फॉर एन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। यहाँ पे फिर आपको मेंटल हेल्थ कोच की ज़रूरत है। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।